नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश गोदारा है। मैं सीके बिरला हॉस्पिटल आरबीएच में पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। पल्मोनरी मेडिसिन में इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी एक एडवांस फील्ड है और ये इसकी एक ब्रांच है जो कि फेफड़ों से संबंधित समस्याओं की दूरबीन के माध्यम से जाँच और निदान करती है। हमारे डिपार्टमेंट में इंटरवेंशन पल्मोनोलॉजी का फुली इक्विप्ड डिपार्टमेंट है, जिसमें कि हम फ्लेक्सिबल और रिजिड ब्रोंकोस्कोपी दोनों से ही फेफड़ों की समस्याओं के बारे में जानते हैं और उनका निदान करते हैं। ब्रोंकोस्कोपी के बारे में थोड़ा समझना होगा। यह एक तरह से दूरबीन की जांच है जिससे कि नाक या मुंह के द्वार से श्वास नली को एग्जामिन किया जाता है और उससे अगर कोई एबनॉर्मल टिश्यू हो तो उसको बायोप्सी के लिए लेके और हम जांच करते हैं। इससे हमें फेफड़ों के अंदर होने वाली टीबी, कैंसर और अन्य बीमारियों के बारे में मालूम चलता है। अन्य बीमारियां जो कि कैंसर से संबंधित होती है, उसमें फेफड़ों की श्वास मार्ग की सिकुड़न, उनके अंदर गांठ आना या बाहर से फेफड़ों की श्वास नलियों के सिकुड़न के कारण श्वास लेने में तकलीफ होती है। ऐसी कंडीशन में या ऐसी स्थिति में एडवांस ब्रोंकोस्कोपी होती है, जिसको बोलते हैं रिजिड ब्रोंकोस्कोपी। उससे फेफड़ों के अंदर जाके आप ट्यूमर को काट सकते हैं और वापस श्वास मार्ग का रास्ता जो है अवरोध है उसको ठीक कर सकते हैं। और इसके अंदर अभी जो श्वास नली में स्टेंट डालने की विधि है वो भी विकसित हुई है, जिससे कि मरीज को श्वास लेने में आराम आ सकता है। अन्य बीमारियां हैं जिसमें कि फेफड़ों में खांसी में खून आना, जिनमें कि पहले सिर्फ दवाइयों से ही मैनेज किया जाता था, बट अभी एडवांस तरीकों से जब फेफड़ों से खांसी में खून आता है, जिसको कि हम मेडिकल की टर्म में हिमोप्सिस बोलते हैं, इसमें भी हम दूरबीन के माध्यम से एक पर्टिकुलर या जो विशेष भाग है जो फेफड़े का जहाँ से खून आ रहा है उसको हम ब्लॉक भी कर सकते हैं, जिसको कि हम एंडोब्रोंकियल एम्बोलाइजेशन बोलते हैं, जो कि ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन से अलग है और उसके ना काम करने के स्थिति में काम करता है। अन्य जो इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी में जो साधन है, जिसमें कि फेफड़ों में हवा भरना, फेफड़ों में पानी भरना, ये सब समस्याएँ भी हैं जिसके लिए एक प्लूरोस्कोपी प्रोसीजर होते हैं। प्लूरोस्कोपी में जैसे लेप्रोस्कोपी की तरह ही है, फेफड़ों के बाहर झिल्ली के बीच में दूरबीन से देखना। इससे आप जिन पेशेंट्स के फेफड़ों में पानी भरने के कारण ज्ञात नहीं होते हैं या बार बार पानी भर रहा है किसी कारणों से या फेफड़ों में हवा भर जाती है, ऐसी स्थिति में आप प्लूरोस्कोपी से फेफड़ों के बाहर जाँच करके और कारणों का पता लगा सकते हैं। तो इन सब तरीकों से पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में और पल्मोनरी डिजीज़ है जिनका कि बियॉन्ड मेडिसिन हम काफ़ी हद तक इन इंटरवेंशन से, इन एडवांस टेक्निक से या स्पेशलाइजेशन प्रोसीजर से हम पेशेंट्स को काफ़ी हद तक बेनिफिट दे सकते हैं। थैंक यू।